एस्केप सीक्वेंसेस। मतलब दोस्तों, हमने हमारा जो फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखा था, तब हमने एक आपने पैटर्न लिखा था स्लैश एन, इसका मीनिंग है न्यू लाइन। ये आपने लिखा था, इसका मतलब क्या था? न्यू लाइन मतलब जो आपने हेलो वर्ल्ड स्लैश लिखा था, उसके बाद वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए आपने स्लैश एन लिखा था, तो इसको कहा जाता है न्यू लाइन। वैसे ही हमारे पास कुछ और एस्केप सीक्वेंसेस भी है। मतलब अगर आप सिर्फ बी लिखोगे तो उसको आप स्क्रीन, अगर प्रिंट एफ सिर्फ बी लिखोगे तो वो सिर्फ बी प्रिंट होगा, लेकिन जब उससे पहले आप अगर स्लैश लगाते हो तो इसका मतलब है उसको कुछ स्पेशल मीनिंग दिया गया है। स्लैश बी मतलब बैकस्पेस। मतलब अगर मान लीजिए आपने कुछ लिखा है और एक बार अगर आपको बैकस्पेस टाइप करना है तो आप स्लैश बी करोगे तो एक बार वो बैकस्पेस कैरेक्टर टाइप होगा। मतलब आपके कीबोर्ड पे जो बैकस्पेस का जो वर्ड है, बैकस्पेस का जो टाइप होने के बाद जो इफेक्ट आएगा, वो आप स्लैश बी के कारण